पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज जीती उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने सबको अप्रिशिएट किया एक तरीके से, आप बोले कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि बाबर की ये पाठशाला थी, और बाबर ने एक एक करके जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, चाहे वो नुमान अली हो, नसीम शाह हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सभी के बारे में उन्होंने बात करी है और बिल्कुल ये बताया कि जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली। और सबसे खास बात ये रही बाबर के इस पाठशाला में, उन्होंने बोला कि श्रीलंका में श्रीलंका को हराना बहुत ज्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ये हमने टीम गेम के तौर पे किया, टीम गेम है ये, और सबने मिलके किया, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया। कि सरफराज को एक मोमेंट पे चोट लग गई थी, सरफराज के लिए उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ पहले हो। इवन जो बाहर बैठे थे, हसन अली हो चाहे वो नवाज हो, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। टीम को एंकर कैसे किया जाता है, एकजुट होकर क्यादत कैसे की जाती है, ये कोई बाबर आजम से सीखे। इस वक्त भारत के मीडिया में ये सब कुछ क्यों चल रहा है, इसके पीछे एक ऐसी वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुई। कल पाकिस्तान ने एक शानदार मुकाबले के बाद वन साइडेडली श्रीलंका को 222 रन और एक इनिंग से हराया, तो उसकी धूम रात गए तक सोशल मीडिया और प्राइम मीडिया पर चलती रही, जो जो क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। लेकिन फिर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होती रही जिसमें ड्रेसिंग रूम के अंदर बाबर आजम ने विक्ट्री स्पीच दी अपनी टीम के सामने, सबका शुक्रिया अदा किया, और सबसे पहली लाइन उनकी ये थी कि ये मैच हम किसी एक शख्स की वजह से नहीं, टीम एफर्ट की वजह से जीते हैं। इसमें टीम के अंदर जो खिलाड़ी या जो 11 रुकनी स्क्वाड मैदान के अंदर जाकर खेला वो भी शामिल है, और जो बाहर बैठे हुए थे यानी कि जिनको मौका नहीं मिला टीम के साथ खेलने का, उनकी भी उतनी ही एफर्ट है, यानी कि जितना भी 16 रुकनी स्क्वाड था और जो मैनेजमेंट थी, उन सबको इस जीत का क्रेडिट दिया। बाबर आजम का ये कहना था कि श्रीलंका के अंदर आकर श्रीलंका से सीरीज जीतना, जिसकी स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा परफेक्ट है, ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए तमाम की तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। फिर उन्होंने फर्दन जिन खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, दोनों मैचेस में सेंचुरी स्कोर की, अच्छी बॉलिंग की, उन सब की तारीफ भी की, और साथ ही साथ फिर सरफराज अहमद जिनको सर पर बाल लगने की वजह से रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और उनकी जगह आईसीसी रूल्स के मुताबिक मोहम्मद रिजवान बैटिंग करने आए, तो इस सारे मामले पर जो कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई थी उस पर सरफराज अहमद की तारीफ करते हुए उनका कहना था कि आपने हमेशा फ्रंट फुट पे जाकर टीम को हर तरह की मदद देने की कोशिश की है, लेकिन उस दिन हमें ये स्टेप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेडिकल बोर्ड का ये कहना था कि सरफराज अहमद की सेहत हमारे लिए इस मैच से ज्यादा जरूरी है, इसलिए सरफराज को रेस्ट देना चाहिए। इस पर सरफराज अहमद का भी शुक्रिया अदा किया और अब ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और इस पर भारत के मीडिया ने भी अपना खास एक मौकफ पेश किया है और उस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। मगर आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में, खासकर बाबर आजम की स्पीच के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज जीती उसके बाद ड्रेसिंग रूम में बाबर आजम ने सबको अप्रिशिएट किया एक तरीके से, आप बोले कि एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि बाबर की ये पाठशाला थी, और बाबर ने एक एक करके जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, चाहे वो नुमान अली हो, नसीम शाह हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सभी के बारे में उन्होंने बात करी है और बिल्कुल ये बताया कि जिस तरीके की हमने क्रिकेट खेली। और सबसे खास बात ये रही बाबर के इस पाठशाला में, उन्होंने बोला कि श्रीलंका में श्रीलंका को हराना बहुत ज्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ये हमने टीम गेम के तौर पे किया, टीम गेम है ये, और सबने मिलके किया, किसी इंडिविजुअल ने नहीं किया, सबने मिलके किया। और एक एक करके बाबर ने सबका नाम लिया जिन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने विकेट ली, जिन्होंने रन्स बनाए, इवन जो बाहर बैठे थे, हसन अली हो चाहे वो नवाज हो, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले बात करें नुमान अली के लिए, उन्होंने बोला कि नुमान ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, पहले मैच में हमने देखा था कि वहां पे उनको लेट गेंदबाजी मिली थी, वहां पे अबरार ने गेंदबाजी करी, उनको विकेटें मिली, फिर दूसरी मैच में भी हमने देखा कि अबरार को फर्स्ट इनिंग में विकेटें मिली, सेकंड इनिंग में नुमान अली को विकेटें मिली, दोनों मैच में नुमान ने सेकंड इनिंग्स में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी और जिसकी बदौलत उन्होंने 7 विकेटें भी ली। और अबरार की भी बाबर आजम ने तारीफ करी और नुमान की भी तारीफ करी। फिर क्या नाम, अब्दुल्ला शफीक के लिए उन्होंने बोला जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में उतने रन नहीं आए थे, काफी खराब फॉर्म चल रहा था, अब्दुल्ला शफीक को कॉन्फिडेंस दिया। वहां पे बाबर आजम ने बोला कि कभी कभार हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं और हम जैसा सोचते हैं वैसी चीजें मैदान पे नहीं होती, क्रीज पे नहीं होती, लेकिन अपनी टाइम का वेट करना चाहिए और वो अपनी टाइम का वेट अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो अब्दुल्ला शफीक के लिए उन्होंने बहुत शानदार बात बोली कि उन्होंने अपनी इनिंग का वेट किया, हालांकि बल्लेबाजी वो काफी टाइम से कर रहे थे, उनके रन उस तरीके से नहीं आ रहे थे, लेकिन फाइनली उनका 200 आता है और टीम के हित के लिए वो
बिल्कुल काम आया और वहां पे सीरीज भी पाकिस्तान ने वहां पे जीती। तो यही सब चीजें हैं, बाबर ने अपने प्लेयर्स की वहां पे जमकर तारीफ भी करी और एक एक जैसे बोले ना कि बाबर की बातों से ऐसा लगता है कि यार टीम का माहौल उस तरीके से बहुत शानदार है और टीम के लिए वो हमेशा लगातार ये बोलते रहते हैं कि हमने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है वो ये होगी कि यार जिस तरीके से हमने श्रीलंका में 6.5-7 की औसत से रन बनाए हैं आई थिंक कभी किसी ने नहीं बनाए उस तरीके से। तो बाबर आजम ने बिल्कुल टीम के लिए बोला कि यार हम जिस तरीके से अप्रोच हम लेके आए हैं, जिस तरीके से हम खेलना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने क्रिकेट को अपनी बदला है और वो हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे, तो बिल्कुल उससे हमें भी फायदा होगा। और एक चीज बहुत खास लगी मुझे कि उन्होंने बोला कि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम गेम होता है। और हम कोई अगर बोल दे कि बाबर आके कर देगा, इमाम आके कर देगा, नसीम आके कर देगा, शहीन आके कर देगा, तो ऐसा नहीं है। सबको अपना रोल समझना होगा, सबको अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी होगी और सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे तो बिल्कुल जाहिर तौर पे सब अच्छा करेंगे और सब अच्छा करेंगे तो आपकी टीम भी जीतेगी। तो कहीं ना कहीं बाबर ने अपने खिलाड़ियों पे फेथ, जिसे बोले कि भरोसा शो किया है, फेथ शो किया है, तो वो सारी चीजें बाबर ने बताया ड्रेसिंग रूम में। और नो डाउट जिस तरीके से साउद शकील का परफॉर्मेंस रहा पहले मैच में और उनकी भी उन्होंने जमकर तारीफ करी कि साउद शकील की बल्लेबाजी बहुत शानदार रही। फिर आपने क्या नाम अब्दुल्ला शफीक की बात करी, सरफराज के लिए उन्होंने बोला कि सरफराज को एक मोमेंट पे चोट लग गई थी, सरफराज के लिए उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आपकी हेल्थ पहले हो, ठीक है। तो उनको कंकशन हुआ था सरफराज को, लेकिन उसके बावजूद वो खेलते रहे थे। तो बाबर ने बोला कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज मुझे बहुत पसंद आई सरफराज की कि वो मतलब उनको बॉल भी लगा सर पे, उनको फील भी हुआ कि हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन वो खेलते रहे। लेकिन बाद में जब मेडिकल टीम ने असेस किया तो 2-3 ओवर वो खेलते भी रहे आई थिंक, उसके बाद वो मतलब रिटायर्ड हो गए थे, जिसकी जगह रिजवान वहां पे बल्लेबाजी करने आए थे और रिजवान ने भी अपनी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी। तो सरफराज के लिए उन्होंने बोला कि ऐसी चीजें होती है कि आप टीम के लिए पहले सोचते हो, टीम के लिए रन बनाने के लिए सोचते हो, टीम के हित के लिए आप सोचते हो, तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। और यही बोला कि आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, आगे भी हम ऐसे ही खेलते रहेंगे। तो ये पूरी जैसे बोले कि ड्रेसिंग रूम में सबके साथ मिलके सबको उन्होंने एडवाइस किया, गाइड किया, एज अ कैप्टन बिल्कुल ये बनता भी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में क्रिकेट खेली है बिल्कुल ये बनता भी है कि, और श्रीलंका को श्रीलंका में हराना ये भी एक अच्छी चीज है कि यार पाकिस्तान ने काफी मतलब जिसे बोले कि लगातार वो श्रीलंका को श्रीलंका में हरा रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले साल हमने देखा था कि बहुत बुरी हालत थी पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में, इंग्लैंड से वो हारे, आपके ऑस्ट्रेलिया से वो हारे, न्यूजीलैंड से वो हारे, WTC उनके हाथ से निकल गया, वो साइकिल ही पूरा उनका खराब हो गया। लेकिन इस साइकिल में आप देखिए WTC टेबल में अभी पाकिस्तान टॉप पर है, परसेंटेज के मामले में देखे तो 100% उनका है वहां पे, क्योंकि दो मुकाबले उन्होंने खेले हैं, दो में ही जीत हासिल करी है। और बिल्कुल बाबर आजम की टीम ने वहां पे पूरा डोमिनेशन दिखाया है, जिस तरीके से बाबर आजम ने क्रिकेट को बदला है, जिस तरीके से टीम का एटमॉस्फेयर बदला है, एक देख के नजर आता है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टीम में बना हुआ है। चाहे हमने वर्ल्ड कप के बाद देखा, रोहित ने भी आपको बताया होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान जब वो जिम्बाब्वे से हार गए थे उसके बाद भी प्रैक्टिस में ऐसा कुछ देख के नहीं लगा, टीम की बॉन्डिंग उस तरीके से दिख रही थी, खिलाड़ी एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो रही थी। और उसकी बदौलत आप देखें कि पाकिस्तान आगे तक जाता है, फाइनल खेलता है, सब कुछ सब चीजें होती हैं।